हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एन जी के। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीलिम्स एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2017 पेपर क्रिमिनल लॉ। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशियरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And agar aapko hamare efforts acche lage ho to in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So as I always mention, paper comes like this: booklet number, then this is series B, paper criminal law, 100 marks, 1 hour, 50 questions, and no negative marking. So question number one is: in warrant case, does not mean. और देखिए बताओ क्या ये repeat question है? Ditto repeat question है ये. An offence punishable will be death, life imprisonment. An offence punishable will be imprisonment for a term exceeding 2 years. 2 year life imprisonment and death होता है ये, ठीक है। अब इसमें नोट पूछा हुआ है यहाँ पर, तो कौन सा हो गया इसे? बी इज द आंसर। क्वेश्चन कौन सा है ये? 2X ऑफ CRPC। समन्स केस कितने में है? 2W में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। होता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है इस्टेब्लिश करती है इन एवरी डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो देखिए इसमें ABCD, ए इसका आंसर हो गया। फिर देख लेते हैं आगे, इन एवरी स्टेट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट शैल इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 6 में, ये है सेक्शन 9। फिर है सी द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो जस्टिस मैजिस्ट्रेट शैल अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ये से बिल्कुल ठीक है। ये मेंशन किया गया सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। फिर है एवरी CJM शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू CJM, ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 15 ऑफ CRPC में। नेक्स्ट 3, व्हेन अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC, इफ एनी पर्सन कमिट्स अ बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नहीं तब नहीं कर पाएगा जब नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो देखिए ये रहा डी, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा आइए? 43 CRPC। नेक्स्ट इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC इज नॉट अमेंडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। तो कौन सा अमेंड नहीं हुआ है इनमें से? तो सेक्शन 160 में अमेंडमेंट हुई है, यस 161 में हुई है एंड 164 में हुई, 162 में नहीं हुई है। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इन केस ऑफ सेक्शन 326B IPC। और देखिए कॉग्निजेंस के लिए कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर आप स्केड्यूल 1 देखेंगे CRPC का, तो वहाँ पर जो कॉलम्स हैं उसमें कॉलम 6 में मेंशन किया गया कि ट्रैवल बाय विच कोर्ट, तो ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। तो आप ये ध्यान रखिए ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है ये। नेक्स्ट 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। तो कौन करता है? एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 CRPC। तो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, फिर नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, वेदर अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड और रिलीज ऑन हिज बॉन्ड या फिर विद और विदाउट श्योरिटी, ये भी लिखा होना चाहिए। वेदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अक्यूज हैज बीन प्रोवाइडेड हेल्प ऑफ लीगल काउंसिल, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 8, हुम इन द फॉलोइंग इज ऑथराइज स्पेशली टू एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 14 CRPC।
कौन करता है वो, CJM, डी इज द आंसर। और एक काम मेंशन किया गया सेक्शन 190 CRPC में। नेक्स्ट इज 9, हाउ मेनी ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, तो नॉट एक्सीडिंग 3, डी इज द आंसर। काम मेंशन किया गया है ये सेक्शन 219 CRPC में। नेक्स्ट इज 10, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में अपील टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट, किसके पास करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, सी इज द आंसर। और एक कहाँ मेंशन किया गया है अपील फ्रॉम कन्विक्शन सेक्शन 374 CRPC। नेक्स्ट इज 11, व्हेन द प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड इन अ जेल द वारंट शैल बी लॉज्ड विद द जेलर, सी इज द आंसर। और कहाँ मेंशन किया गया, मेंशन किया गया सेक्शन 420 CRPC में। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रेमिट होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट इफ एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो किसके पास पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा ये, 432 CRPC। देखिए जो रेमिट है वो 432 है, अगर कम्यूट लिखा जाए तो 433 है। नेक्स्ट 13, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस वेयर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल कमीशन या फिर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच मंथ सच ऑफेंस, नौ मंथ का कोई नहीं है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन, सी इसका आंसर रहेगा। और डी ऑप्शन क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग FIR, नो ये नहीं है, तो सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 469 CRPC में। नेक्स्ट 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स दैट अक्यूज पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द चार्जेस ऑफ एन ऑफेंस मेड अगेंस्ट हिम, तो दैट इज सेक्शन 315, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज डिस्क्राइब्ड अंडर IPC मे बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल गिवन इन सेक्शन 320 CRPC, तो क्या मर्डर हो सकता है, कंपाउंड नो, रेप नो, एडल्ट्री नो, बायगैमी यस, ये हो सकता है, कंपाउंडेबल है ये, ए इसका आंसर रहेगा। बायगैमी सेक्शन कौन सा है, 494, एडल्ट्री 497, नाउ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केस कौन सा था ये, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मर्डर 302 है ऑब्वियसली, रेप 376 ऑब्वियसली, पनिशमेंट्स। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस टू द कोर्ट अगेंस्ट द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कितना है वो, 30 डेज है, यहाँ 60 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ 15 है, ये रहा 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इफ द कंप्लेंट मेड इन राइटिंग टू द कोर्ट। कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 142 NI एक्ट में। नेक्स्ट 17, हुम द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 138, कौन है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सी इज द आंसर। और ये भी कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 142 में ही, NI एक्ट। नेक्स्ट 18, व्हाट प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इज प्रोवाइडेड टू द कोर्ट अगेंस्ट द मैटर रिलेटेड विद पेनल्टीज इफ कम्स अंडर एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 17 ऑफ NI एक्ट, ये होता है समरी ट्रायल, बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 143 NI एक्ट में। नेक्स्ट 19, इन एवरी ट्रायल अंडर सेक्शन 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड ए ट्रायल विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, ए इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 143 में ही, सबसेक्शन 3। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट बाय द टर्म कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ए फर्म बॉडी कॉपरेट एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ये है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एक्सप्रेसली इन द मीनिंग ऑफ द टर्म बियर इन HP एक्साइज एक्ट, तो बियर की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2A ऑफ HP एक्साइज एक्ट, उसमें जो है ब्लैक बियर, एल, स्टाउट,
पोर्टर और सच सब्सटेंस लिखा हुआ है, ब्रांडी नहीं है, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 22 सेक्शन 15 ऑफ एच पी एक्साइज एक्ट इज रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, किससे ये प्रोहिबिशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लीकर, तो ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 23 हुम द फॉलोइंग इज ऑथराइज फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर सेल ऑफ लीकर ऑन स्पेसिफाइड प्लेस एंड इट्स कंजम्पशन एट एनी पब्लिक प्लेस अंडर सेक्शन 23 एच पी एक्साइज एक्ट, तो किसके पास है पावर, फाइनेंस कमिश्नर और कलेक्टर एज द केस मे बी, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 24 विच वन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एच पी एक्साइज एक्ट डील्स विद पावर टू विदड्रॉ द लाइसेंस एटसेट्रा, तो ये सेक्शन 32 डी इज द आंसर. 29 क्या है, पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस है. 30 क्या है, पावर टू कैंसिल एनी अदर लाइसेंस एंड टू रिकवर फी. 31 क्या है, नो कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट 25 हुम द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस इन केस ऑफ एनी लीकर वेंड अकॉर्डिंग टू द एच पी एक्साइज एक्ट. Whose tender has been accepted for allotment of a license? Whose bid has been accepted for allotment of a license? या फिर तो इसके लिए देखिए आप सेक्शन 35 और वहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि होल्डर ऑफ लाइसेंस का मतलब क्या है, जिसने टेंडर किया हो, बिड किया हो या एप्लीकेशन दी हो और एक्सेप्ट हो गई हो, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट ऑफ लाइसेंस. तो ये नहीं है, डी वाला नहीं है, जिसका रिकमेंड 10 ईयर से है, तो वो माना नहीं जाता. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 26 हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ए इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये, 5A. अब देखिए आप वाइस चेयरपर्सन की बात की गई, तो चेयरपर्सन कौन है, फिर चेयरपर्सन होते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर, तो ये है चेयरपर्सन. नेक्स्ट 27 सेक्शन 18 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, किससे रिलेटेड है ये, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 28 व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन प्रोसीडिंग टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन और ओवर द लैंड कंप्राइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ सेंचुरी नोटिफाइड, दैट इज 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, बी इज द आंसर. और ये सेक्शन कौन सा है, 25A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, तो ये चैप्टर 3A सी इज द आंसर. चैप्टर 2 क्या है, अथॉरिटीज की बात की गई है, ठीक है. चैप्टर 3 क्या है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. चैप्टर 4 क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज. नेक्स्ट 30 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ कैप्टिव एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये सेक्शन 49 सी इज द आंसर. 48 क्या है, परचेज ऑफ एनिमल्स. फिर है 48A रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. 50 क्या है, पावर ऑफ एंट्री सर्च अरेस्ट एंड डिटेंशन. नेक्स्ट 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ टर्म रिवर यूज्ड इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो स्ट्रीम कनाल क्रीक है, पॉन्ड नहीं आता इसमें, सी इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. नेक्स्ट 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ मीनिंग ट्री डिफाइंड इन 27, तो उसमें क्या क्या नहीं आता, तो पाम्स हैं उसमें, स्कम्प्स हैं, ये स्कम्प्स है एक्चुअली, स्टम्प्स लिख दिया इधर, ब्रशवुड है, टी नहीं आता, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 33 इन द ट्रायल ऑफ सूट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर मे एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ऑफ अ सिविल कोर्ट, सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है, 72 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. Next 34, which of the following act is not prohibited act prescribed by section 26 of Indian Forest Act? तो आप वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, set fire to a reserve forest, ये prohibited है, pasture cattle ये prohibited है,
ग्रिडलेस्ट एनी ट्री, ये भी प्रोहिबिटेड है. मैनेज वाटर कोर्स, ये नहीं है. डी इज़ दी आंसर. सिमिलर क्वेश्चन ये जो है 2018 में भी किया था हमने, वहाँ पर लिखा हुआ था वर्शिप कर रहे हैं अगर ट्री की, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है. नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर ऑफ एनी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर. दैट इज सेक्शन 62B इज द आंसर. एंड 2018 में इसकी पनिशमेंट पूछी थी, कितनी है वो, 6 months की पनिशमेंट है और 500 रुपये का फाइन है. नेक्स्ट 36, हुम द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट IPC. फर्स्ट लॉ कमीशन जो था ब्रिटिश इंडिया का, उसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकॉले, पता ही होगा आपको. ठीक है, तो उसमें और कौन कौन थे, मैकलॉयड, एंडरसन एंड मिलेट, पिकॉक नहीं थे, तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑथर्ड द जजमेंट ऑफ सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन अदर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 377. देखिए उस टाइम पर जो है ये रिसेंट में था, तो इसलिए पूछा गया था, वो थे जस्टिस सिंघवी. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस इट्स इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. दैट इज सेक्शन 2, ऑब्वियसली सी इज द आंसर. नेक्स्ट 39, वॉयरिज्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस अंडर IPC बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है, 354C IPC. नेक्स्ट 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द IPC फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड thereby disfigures any part of body. देखिए ये है voluntary causing grievous hurt, मतलब सेक्शन कौन सा है, 326A. तो पनिशमेंट कितनी है, नॉट लेस देन 10 years which may extend to life imprisonment and with fine. तो ए इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC declares trafficking of persons as an offense. सेक्शन 370C इज द आंसर. 370A क्या है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग ट्रैफिक्ड पर्सन. 369 क्या है, किडनैपिंग और अबडक्शन करते हैं अगर आप 10 साल से कम के बच्चे का, उससे चोरी करने के लिए, टू स्टील फ्रॉम हिम. 371 क्या है, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स. 42, while substituting new section for section 375 IPC, how many exceptions are inserted in it? तो दो exceptions हैं अभी, B is the answer. Next 43, in which one of the following cases Supreme Court has held unconstitutional to section 303? वो था मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये, C इसका आंसर रहेगा. अरुणा रामचंद्र शॉनबॉक किस पर है, ये पैसिव इथुनेशिया पर है ना, ज्ञान कौर, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट है ना. बच्चन सिंह, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. ऐसी 44, विच इन द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 84 IPC. तो 84 IPC किसके लिए है, इनसैनिटी मैकनॉटन केस है ना. तो इसमें जो है आर वर्सेस डुडलैंड स्टीफनी किस पर है, सेक्शन 81 पर, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द जजमेंट्स इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा. तो मेन जजमेंट किसकी है, जस्टिस मेलविल की, और कौन कौन थे उसमें, नाना भाई हरिदास, कैम्बेल, तो सरकारिया नहीं थे. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 46, द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस एम्परर वाज डिसाइडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स, प्रीवी काउंसिल ने किया था, ये सी इज द आंसर. नेक्स्ट 47, द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 हैज बीन ब्रॉट आउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट केसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये था नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ए इज द आंसर. वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू किस पर है, ये इंटॉक्सिकेशन. ऋषिदेव पांडे शिवराम सिंह किस पर है, ये सेक्शन 34 पर, कॉमन इंटेंशन. इसमें क्या कहा गया था, कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप्ड ऑन स्पॉट. डिफरेंसेस तो इसमें भी बताया गया था ऋषिदेव पांडे में, बट जो मेन जो केस है वो है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब.
Next 48, the case of S. Vardarajan versus State of Madras. Associated with which one of the following offenses? Kis par hai ye? Kidnapping from lawful guardian par. B is the answer. Next 49, which of the following provision of punishment is provided to the accused of offense of affray? तो कितनी पनिशमेंट है? एक महीने की और 100 रुपये फाइन है. तो देखिए एक साल लिखा हुआ है, 1 ईयर लिखा हुआ है. ओनली फाइन नो इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट टू 1 ईयर नो. 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है. तो इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शंस आर नॉट प्रॉपर. एफरे कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 159 में. पनिशमेंट कितने में? 160 में आईपीसी. नेक्स्ट 50 मैच करना है. अब 50 में क्या बताना है? लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, उसमें बताना कौन सा मैचेस करेक्ट हैं. तो देखिए ए जो है, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम ओनली. क्या होता है? नो मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग नो टाइम ओनली भी, वो भी क्या होता है? मिसअप्रोप्रिएशन होता है. तो ये हो गया रॉन्ग. फिर है टेकिंग अवे द मूवमेंट प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली विदाउट कंसेंट ऑफ फॉर अ टाइम ओनली इज ऑल्सो थेफ्ट अंडर 378, बिल्कुल ठीक है. फिर है एन इम्पुटेशन इन फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली, नो डिफॉर्मेशन, नो ये रॉन्ग हो गया. तो डिफॉर्मेशन हो जाता है ये. फिर ए थ्रेट टू इंजरी टू रेपुटेशन ऑफ एन डिसीज पर्सन इन हुम द पर्सन थ्रेटन इज इंटरेस्टेड, तो वो ऑफेंस अंडर 503, तो ये भी हो गया रॉन्ग. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? बी, बी इज द आंसर. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2017 paper Criminal Law. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशंस आपको एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेशन में जाकर भी लिख सकते हैं. We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.